फ्रेंड, जैसे कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके साथ कई बार होता होगा कि एकदम से बच्चा हलचल करते करते बंद कर देता है, तो आप कितने ज़्यादा टेंशन में आ जाते हो। हर माँ ही टेंशन में आ जाती है, मैं भी 2 टाइम प्रेग्नेंट हुई हूँ, और जब बच्चा अचानक हलचल करते करते एकदम से हलचल बंद कर दे तो टेंशन तो हो ही जाती है, क्योंकि फिर हमें फील होने लगता है कि बच्चे को पता नहीं क्या हो गया, क्यों बच्चे ने इतने टाइम से हलचल। जो थॉट्स होते हैं ना, वो कॉमन होते हैं, सभी महिलाओं के मन में आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पहली चीज़ तो बच्चा कब से हलचल करता है, चीज़ अगर बच्चा हलचल करते करते एकदम से बंद कर दे तो आपको क्या करना चाहिए, साथ ही साथ बच्चे की कम हलचल होना पेट में किस बात का संकेत होता है, ये भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं हूँ आपकी फ्रेंड रेशु, एक बार फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए नया वीडियो लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, ढेर सारा प्यार दीजिए और हमारी फैमिली को 1 मिलियन कंप्लीट करवा दीजिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चा हलचल कब से करता है। तो नॉर्मली जो फ्रेंड्स, बच्चे की हलचल करना स्टार्ट 5 महीने के स्टार्टिंग से हो जाती है। ये सभी महिलाओं में अलग अलग टाइमिंग हो सकती है। कुछ महिलाओं को हो सकता है 4 महीने से ही बच्चे की हलचल शुरू हो जाए, लेकिन मोस्टली महिलाओं को 5 महीने से बच्चे की हलचल फील होना शुरू हो जाती है। जिनकी स्पेशली पहली प्रेगनेंसी होती है उनको थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन जिनकी दूसरी है उनको थोड़ा जल्दी बच्चे की हलचल महसूस हो सकती है। लेकिन 5 महीने से सभी महिलाओं को हलचल महसूस होना शुरू हो जाती है। अब अगर आपको 5 महीने के स्टार्टिंग से ही बच्चे की हलचल शुरू नहीं हो, आपको केवल 1-2 हफ्ते ही वेट करना चाहिए बच्चे की हलचल के लिए, और 5वां महीना भी अगर कंप्लीट होने वाला है तब भी अगर बच्चे की हलचल ना हो तो ये रिस्की हो सकता है। ऐसे में फिर आप डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। डॉक्टर चेक करेंगे या आपको अल्ट्रासाउंड करवाने की सलाह देंगे, तो उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। ओके फ्रेंड्स, तो आप बच्चे की हलचल के लिए ओनली 5 मंथ तक ही वेट कीजिए, उसके बाद वेट बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। ये तो हो गई बच्चे की हलचल के बारे में कि कब करेगा। अब हम बात करते हैं कि बच्चा अच्छा भला हलचल कर रहा था और अब अचानक से बच्चे ने हलचल बंद कर दी है, तो बच्चे का कितने घंटे तक हलचल ना करना नॉर्मल होता है, पहले ये जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बच्चा 2 घंटे तक मूवमेंट नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे के बाद अगर बच्चा हलचल करना शुरू कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर इसमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। 2 घंटे हो गए हैं फिर भी बच्चा हलचल नहीं कर रहा है, तो उसके लिए पहली चीज़ तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। काउंट डाउन रहना है, बिल्कुल स्ट्रेस करना है। सबसे पहले वॉकिंग करना स्टार्ट कर देना है, आप उठकर थोड़ा वॉकिंग कीजिए, बच्चे को पेट में स्पेस मिलेगा, वो अपनी पोजिशन चेंज करेगा और अच्छे तरीके से हलचल करना शुरू कर देगा। पहली चीज़ ये करना है। दूसरी चीज़ आपको करना है कि थोड़ा कुछ ठंडा लेना है, या तो आप 1 ग्लास ठंडा पानी पी सकते हो, या कुछ फ्रिज में थोड़ा बहुत ठंडा मीठा वगैरह पड़ा है तो आप वो भी खा सकते हो। तो इससे भी बच्चे क्या होता है कि मूवमेंट करना शुरू कर देता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे घोड़े बेच के सो जाते हैं 2 घंटे के लिए, तो हलचल नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसा कुछ करोगे ना, तो इससे बच्चा हलचल करना शुरू कर देगा, तो आपको तसल्ली मिलेगी फिर इससे। इसके बाद तीसरी चीज़ जो आपको झटपट करनी है कि आपको लेफ्ट साइड करवट करके लेट जाना है और अपने पेट पर हाथ फेरना है धीरे धीरे से, तो इससे बच्चे को एहसास होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि 5 महीने से बच्चा आपके एहसास को फील करने लगता है, आपके टच को फील करने लगता है। तो आप हाथ जब पेट पर धीरे धीरे घुमाते हो तो इससे बच्चा अगर सो रहा होता है तो जाग जाता है और मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। बच्चे से बात कर सकते हो, लोरी सुना सकते हो, गाने सुना सकते हो, कोई भी म्यूजिक आप बच्चे को सुना सकते हो, इससे भी बच्चा मूवमेंट करना स्टार्ट कर। इसके बाद मेन चीज, अगर इन सारी चीज़ों के बाद भी बच्चे ने हलचल करना शुरू नहीं किया है तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि फिर शायद कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो। अब बात करें जिन महिलाओं के बच्चे बहुत कम मूवमेंट करते हैं तो ऐसा क्यों। फ्रेंड, जैसे ही आपका 3rd ट्राइमेस्टर लगता है और 3rd ट्राइमेस्टर का 8 या 9 मंथ आपका चल रहा है, तो इस टाइम पे जो बच्चे की मूवमेंट होती है वो आपको कम महसूस हो सकती है। वो क्यों बताती हूँ, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आना शुरू कर देता है, बच्चा अपना सर नीचे करना शुरू कर देता है। भाई, अब टाइम उसका कंप्लीट होने वाला है तो उसको बाहर भी तो आना है, तो वो अपनी तैयारी करेगा ना, तो इसीलिए बच्चा अपना सर नीचे करता है और पैर ऊपर कर लेता है। अब जो बच्चे का हेड होता है, मतलब सर होता है, वो आपके पेल्विस एरिया, मतलब आपके प्राइवेट पार्ट के रास्ते में धीरे धीरे फिक्स होना शुरू, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी तो तभी पॉसिबल होगी ना, इसीलिए। तो इस वजह से जब बच्चे का हेड फिक्स होने लगता है धीरे धीरे, तो फिर क्या होता है कि बच्चा ज़्यादा हलचल नहीं कर पाता, मतलब जो पहले गोल गोल घूमता था आपके पेट में वो नहीं घूमेगा। फिर बच्चे के आपको जो महसूस होंगे वो किक्स होंगे, किक्स
बेबी जोरदार किक करेगा क्योंकि बच्चे के पैर ऊपर है, तो पैरों से बच्चा जोरदार किक करेगा, आपको उसका क्लियरली पता चले। तो बच्चे को जब पेट में कम जगह, इस वजह से बच्चा पेट में कम घूम पाता है, क्योंकि 8-9 महीने तक बच्चे का वेट भी अच्छा खासा बढ़ चुका होता है, शरीर का साइज भी बढ़ चुका होता है, और यूट्रस में तो इतनी ज्यादा जगह फिर बच्चे को मिल नहीं पाती है, इस वजह से बच्चा कम मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हर 2 घंटे में बच्चे को मूवमेंट जरूर करना चाहिए। अगर बच्चे ने 2 घंटे बीत गए हैं, 3 घंटे 4 घंटे भी हो गए और बच्चे ने मूवमेंट नहीं की है, तो आप फिर तुरंत हॉस्पिटल जाइए। ओके फ्रेंड्स, इस टाइम आपको अपने बच्चे की किक्स को काउंट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि बच्चा हर 2 घंटे में हलचल कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। उसी में आपकी समझदारी है और बच्चे की सेफ्टी। अगर आपको महसूस होता है कि बच्चे ने 2 घंटे तक कोई भी हलचल नहीं की है, तो जाके तुरंत आप डॉक्टर से मिलिए। आई होप फ्रेंड्स सारे डाउट्स जो आपके थे हलचल को लेके वो क्लियर हो गए होंगे। और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उस पर वीडियो आपके लिए बना दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बाय बाय, थैंक यू सो मच।